दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है आज का, 18वीं शताब्दी कला आंदोलन की पहचान आमतौर पर ऐतिहासिक रूप से सही हालात, परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों, विषयों, दृढ़ चित्रण, दृढ़ संरचनात्मक तकनीक पर जोर देती है। तो ये रोमांटिक कला, बारोक कला, नवशास्त्रीय कला, विचार शैली। ये राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, नवशास्त्रीय कला होगी। ये इस पर जोर देती है दृढ़ संरचनात्मक तकनीकी पर। प्रश्न नंबर दो, मुख्य नवशास्त्रीय आंदोलन 18वीं शताब्दी के साथ हुआ और 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक जारी रहा। ज्ञान का युग, समाजवादी युग, फ्रांसीसी क्रांति, कार्ल मार्क्स का जन्म। राइट आंसर एक हो जाएगा इसमें, ज्ञान का युग हुआ था जो 18वीं शताब्दी के साथ 19वीं शताब्दी शुरुआत तक जारी रहा था, तो ज्ञान का युग जारी रहा था। प्रश्न नंबर तीन, नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। पुनर्जागरण को, बराक को, ग्रीक शैली को, पेंचाटिक को। तो इन्होंने ग्रीक शैली को दिया था ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत। प्रश्न नंबर चार, यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयवाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया था? विलियम हंट, टर्नर, डेविड फ्रांसहाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डेविड ने दिया था। ये यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयवाद को बढ़ावा दिया था इन्होंने, डेविड ने दिया था। जैक्स लुइस डेविड ने किस नई चित्रशैली को जन्म देने का कार्य किया? प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, नवशास्त्रीयवाद, रोमांसवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा नवशास्त्रीयवाद को बढ़ाने का काम किया था जैक्स डेविड लुइस, इनका पूरा नाम है, कहीं कहीं डेविड लिखा रहता है, नवशास्त्रीयवाद से संबंधित है। डेविड की पेंटिंग सुकारात की मृत्यु पर किस कलावाद के अंतर्गत आती है, किसने किया था? शास्त्रीयवाद, नवशास्त्रीयवाद, यथार्थवाद, उत्तर यथार्थवाद। राइट आंसर इसका हो जाएगा नवशास्त्रीयवाद के अंतर्गत आएगी, सुकारात की मृत्यु इसके अंतर्गत आती है। सॉक्रेटिस की मृत्यु किस चित्रकारवाद का है? प्रभाववाद, रोकोको, यथार्थवाद, नवशास्त्रीयवाद। ये भी हो जाएगा नवशास्त्रीयवाद हो जाएगा। सॉक्रेटिस की मृत्यु जो हो जाएगी ये नवशास्त्रीयवाद से संबंधित है। ये सब बहुत अच्छे प्रश्न हैं। एक सांस्कृतिक, कलात्मक और वास्तुशिल्पात्मक के अर्थ में नवशास्त्रीयवाद के खिलाफ प्रक्रिया के रूप में वृद्धि हुई, जिसे ऊपर शेष पर और उजले तौर पर देखा गया था। प्राकृतिकवाद, उच्छलता, रोकोको, प्रभाववाद। राइट आंसर हो जाएगा सी, रोकोको हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर नौ, नवशास्त्रीयवादी कलाकारों ने एक राजनीतिक काल के लिए योगदान किया था, वह कौन सा काल था? अमेरिकन क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, फ्रेंच क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रेंच क्रांति हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दस, नवशास्त्रीयवादी चित्रकार का नाम बताइए। जेरिका, डोमियर, डेविड ब्रुगेल्स। का राइट आंसर सी हो जाएगा, डेविड हो जाएगा। नवशास्त्रीयवादी चित्रकार हैं ये, डेविड। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 के लिए, विश्वविख्यात नवशास्त्रीय चित्रकला ओथ ऑफ द हेराती 1784 को द्वारा बनाया गया है, किसके? जीन अगस्त डोमिनिक इंग्रेज 1786-1867, एंटोन राफेल, जोसेफ मैरीविन 1716-1809, जैक्स लुइस डेविड। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, जैक्स लुइस डेविड ने बनाया हुआ है जो 1784। तो प्रश्न नंबर 12 हो जाएगा, स्वच्छंदतावाद का संबंध किससे है? कलाकार की निजी भावना, शास्त्रीय शैली, आदर्शवाद,
परंपरागत कला का राइट आंसर हो जाएगा कलाकार की निजी भावना होती है, स्वच्छंदतावाद जो होती है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया था, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूजीन देलाक्र, थियोडोर जेरिकॉल्ट, हानर डोगीमियर, कैमिल कोरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, थियोडोर जेरिकॉल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा इसको। प्रश्न नंबर 14 है, थियोडोर जेरिकॉल्ट किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं, कौन सा आंदोलन था, नवशास्त्रीयवाद, रोमांसवाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रोमांसवाद हो जाएगा, जे थियोडोर जेरिकॉल्ट इसके अंतर्गत आते हैं, रोमांसवाद के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित कलाकारों में से स्वच्छंदतावाद से किसका संबंध है, पिकासो, बेर्निनी, बर्मियर, देलाक्रा। का राइट आंसर हो जाएगा 4, देलाक्रा हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, कियोस में मानव संहार किस कलाकार का चित्र है, जेरिको, मिले, देलाक्रा, दोमिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, देलाक्रा हो जाएगा, कियोस में मानव संहार हो जाएगा, देलाक्रा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, स्वच्छंदतावाद का वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए घर में लाशें रखा करता था, देलाक्रा, इंजर्स, जेरिकॉल्ट, माने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जेरिकॉल्ट हो जाएगा, जो स्वच्छंदतावाद का चित्रकार था चित्रण के लिए लाशें रखा करता था, तो जेरिकॉल्ट का नाम आएगा इसके लिए। मेडूसा का बेड़ा चित्र किसने चित्रित किया है, इंपॉर्टेंट चित्र ये भी है, थियोडोर जेरिकॉल्ट, जाक दावी ने, मोने ने, सिसली ने। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा थियोडोर जेरिकॉल्ट ने किया था मेडूसा का बेड़ा, इंपॉर्टेंट फिगर हो जाता है। समुद्र की जहाज दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेडूसा का बेड़ा कलाकार का नाम क्या हो जाएगा, जेरिकॉल्ट, एल ग्रेको, आग्र गोया। राइट आंसर इसका जेरिकॉल्ट के साथ जाएगा, क्योंकि ये समुद्री जहाज जो थी इसकी दुर्घटना हुई थी, ये मेडूसा का बेड़ा हो जाएगा, तो जेरिकॉल्ट ने इसको चित्रित किया था। प्रश्न नंबर 20, सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी, तो मैनेट, जे कांस्टेबल, टर्नर, सेजेन। राइट आंसर इसका हो जाएगा टर्नर ने की थी सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग की थी, ये आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, सबसे अधिक बादलों की पेंटिंग टर्नर के साथ जाएगा इसका। ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिएगा, ईमानदारी से देखिए, अभी आप लोग के पास समय भी है तैयारी करने का। चांदनी रात में समुद्री दृश्य कौन चित्रित किया है, टर्नर, तैयब मेहता, एस एन बेंद्रे, बेती चेली। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा टर्नर के साथ जाएगा, चांदनी रात में समुद्री दृश्य, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न नंबर 22, विलियम ब्लैक किस वाद से जुड़े थे, रोमांसवाद, नवशास्त्रीयवाद, प्रभाववाद, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा पहला, रोमांसवाद हो जाएगा, विलियम ब्लैक किससे जुड़े थे, रोमांसवाद से जुड़े थे। प्रश्न नंबर 23, डिवाइन कॉमेडी का चित्रकार है कौन है, विलियम ब्लैक, चान कांस्टेबल, जेरिको, देलाक्रा। राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट, विलियम ब्लैक हो जाएगा, डिवाइन कॉमेडी यह आपका इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, पिछले साल आया हुआ प्रश्न है, विलियम ब्लैक के साथ जाएगा। फ्रांसिस्को गोया किस आंदोलन का चित्रकार था, रोमांटिक आंदोलन, पुनर्जागरण आंदोलन, नव प्रभाववादी आंदोलन, दादावादी आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रोमांटिक आंदोलन हो जाएगा, ये आप राइट आंसर लगाइएगा। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किस देश को फ्रांसिस्को गोया का जन्म हुआ था, तो हो जाएगा स्पेन, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, स्पेन में हुआ था, फ्रांसिस्को गोया का जन्म कहाँ पे हुआ था, स्पेन में हुआ था। प्रश्न नंबर 26, 3 मई को किस चित्रकार की रचना है, 3 मई, गोया, पिकासो, मोने, पूर्वे। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोया का है ये 3 मई, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, 3 मई गोया की रचना है। इनमें कौन चित्रकार ने 2 मई चित्रित किया है, 3 मई, 2 मई, फ्रांसिस्को गोया, ओजेन देलाक्रा, गुस्ताव कुर्बे, एल ग्रेको। राइट आंसर इसमें हो जाएगा गोया, फ्रांसिस्को गोया का नाम आएगा, 2 मई, 3 मई ये सब आएगा, पिछले साल पूछा गया था यह प्रश्न। स्लिप अप रीजन ब्रिंग्स फॉर्मा मास्टर एम एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया है था, अल्ब्रेक्ट ड्यूरर, फ्रांसिस्को डी गोया, ओरेनर दाउमियर, रेम्ब्रा। इसमें ये हो जाएगा आपका फ्रांसिस्को डी गोया ने किया था। स्लिप ऑफ रीजन ब्रिंग्स
फोर्थ मास्टर तो ये हो जाएगा फ्रांसिस्को गोया। बस आज इतना ही, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ईमानदारी के साथ देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।